गुड इवनिंग साथियों स्वागत है आपके चैनल सिविल करियर टू पॉइंट टू में तो चलिए आज की जो अपडेट रहने वाली है वो आपकी जे कब काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाली है आप लोगों का शेड्यूल आ चुका है तो आप लोगों को बिल्कुल ही रेडी हो जाना है क्या होने वाला है कब से होने वाला है हम उस पे सभी पर सभी पे बात कर लेते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सभी हम आपको बात बता देते हैं तो सबसे पहले आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इससे रिलेटेड एक टमारो मतलब कल एक वीडियो आने वाली है नस्ट नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें कि मैं इससे रिलेटेड और नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ अभी के लिए थोड़ा ही रहेगा तो चलिए हम देख लेते हैं वीडियो को क्या रहने वाला है क्या शेड्यूल है कब आज ही जारी किया गया है शेड्यूल तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ठीक है तो हम बात कर लेते हैं क्या है आप लोगों की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो आप लोगों की है सात तारीख से ठीक है सात तारीख से नौ तारीख़ तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है सात तारीख से सात तारीख़ से आप लोगों को नौ तारीख तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है जो कि ठीक है फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन होगा वन टाइम पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा इसमें पेमेंट होगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी ये आप लोग कहीं भी करवा सकते हैं आप लोग कैफ़े पे जा करवा सकते हैं वैसे आप लोग खुद ही कर सकते हैं हम इसके लिए हो सकता है डेडिकेटेड एक वीडियो बना दें सात तारीख़ के पहले तक तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे कि हम पूरा आपको बता दें फिर उसके बाद आप लोगों को जब ये हो जाए तो उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग होगा क्या होगा ये लिखा है क्या फर्स्ट राउंड थोड़ा जूम कर लेते हैं क्या लिखा है फर्स्ट राउंड चॉइस चॉइस फिलिंग फिलिंग फर्स्ट राउंड ठीक है फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग अल्टीमेट चॉइस मे बी फील आप लोगों को क्या है जो भी आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना है वो आप लोगों को चूज कर लेना है और उसको आप लोगों को लॉक कर देना है ठीक है आप लोगों का ये ये प्रक्रिया आप लोगों की सात से सात से नौ तारीख तक चलेगी अगर आप लोगों को ये शेड्यूल चाहिए हो तो आप लोग जे कब की जो ऑफिशियल अपडेट है ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ज्वाइन चैनल को ज्वाइन कर लें उस पर मैं सेंड कर दूँगा तो आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं चैनल की टेलीग्राम चैनल की वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है और जो आप लोगों को सीट अलाटमेंट सीट अलाटमेंट होगा जो आप लोगों को ये चॉइस फिलिंग की जाएगी उसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा दस तारीख़ को तो आप लोगों को बिल्कुल ही केयरफुली से सभी टाइम टेबल देख कर करना है ये नहीं कि आप लोगों का लास्ट चल रहा है तब करेंगे नहीं आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे करना है जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो इसके हो जाने के बाद फर्स्ट राउंड में जैसे आप लोगों का कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप लोग क्या है ऑनलाइन फ्रीज़ और फ्लॉट ये फ्रीज़ और फ्लॉट का क्या मतलब है इसके बारे में मैं कल मॉर्निंग में वीडियो लाऊँगा कि क्या फ्रीज कैसे किया फ्रीज़ का मतलब क्या होता है फ्लॉट का मतलब क्या है ठीक है ठीक है तो ऑप्शन सिलेक्टेड आप लोगों को ये करना है इसका मतलब अभी मैं छोटे तरीके से बता देता हूँ बेसिकली कि इसका फ्रीज का मतलब होता है आप लोगों को कि आप लोगों को यही सीट चाहिए ठीक है आप लोगों को यही सीट चाहिए आप लोगों को दूसरा कॉलेज अगर फ्लॉट का ऑप्शन होगा तो आप लोगों को, को इसका मतलब यह है आप लोगों को ये कॉलेज नहीं चाहिए हमें दूसरा कॉलेज दिया जाए उसके लिए आप लोग फिर से चॉइस फिलिंग करें उसके लिए मैं डेडिकेटेड कल वीडियो बना दूंगा आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ठीक है जिससे कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत जी जल्द पहुँच सके और इसके बाद क्या ये आपकी क्या होगी फ़ीस फ्रीज और फ्लॉट की जो आप लोगों की होगी वो आप लोगों की क्या तेरह नौ तक हो जाएगी शाम तक ठीक है आप लोगों को तेरह तारीख तक कर देना कितने ग्यारह से लेकर तेरह तारीख तक ठीक है ग्यारह से लेकर तेरह तारीख तक कर देना और उसके बाद आप लोगों का जब ये हो जाए जैसे आप लोगों को लगे कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए तो फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी की फ़ीस के लिए जैसे आप लोग फ्लॉट करते हैं तो सिक्योरिटी फ़ीस लगेगी आपकी तीन हज़ार रुपये ठीक है डिपॉजिट करने पड़ेंगे बाय फ्लॉट कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट आप लोगों को अगर फ्लॉट करते हैं तो आप लोगों के तीन हज़ार रुपये आप लोगों के लिए जाएंगे फ्लॉट के लिए अगर आप लोगों को दूसरा कॉलेज चाहिए तब अगर नहीं चाहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसके बाद आप लोगों को क्या है और इसके बाद क्या है आप लोगों को इंस्टीट्यूट फीस बाय द फ्रीज कैंडिडेट थ्रो देयर लॉगिन तो आप लोगों को लॉग इन ये सब हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का सेकेंड चरण होगा आप लोगों को तो ठीक है आप लोगों को सेकेंड होगा फिर थर्ड होगा ऐसे ही आप लोगों के सभी राउंड होंगे इसके बाद आप लोगों को क्या है जो आप लोगों का आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होगा ठीक है ये सॉरी मैं ये पॉइंट देख नहीं पाया ऑनलाइन फ्रीज एंड फ्लॉट अगर आप लोगों ने फ्रीज़ किया तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कराना है तेरह तारीख तक अगर आप लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवा पाए तो आप लोगों को फिर हो सकता है बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी तो क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जैसे आप लोगों का हेल्प सेंटर बना होगा कि आप लोगों को जो भी आप लोग हेल्प सेंटर चुनेंगे जैसे आप लोग किसी जिले से हैं तो उस उस ज़िले के जहाँ रहने वाले वहाँ पर जो भी कॉलेज होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा वहाँ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा ठीक है तो आप लोगों को जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा वो आपको तेरह तारीख तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना ठीक है तेरह तारीख तक आप लोगों को शाम तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वहां पे जाके करवाना है ठीक है अगर आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलता है ठीक है तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो देखना पूरा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोगों को क्या है अगर कॉलेज नहीं मिलता फर्स्ट राउंड में सुन लीजिएगा अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोगों को सेकेंड राउंड में क्या होगा आप लोगों का सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन होगा ठीक है इसमें क्या लिखा न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ द वन टाइम पेमेंट आप लोगों की फ़ीस कुछ नहीं लगेगी ठीक है फीस कुछ नहीं लगेगी और आप लोगों की ओनली एक ही बार होगा तो आप लोगों को ये सब बना रहेगा आप लोगों को बस क्या चॉइस फिलिंग करनी होगी ठीक है अल्टीमेट चॉइस फिलिंग मे भी फील्ड ठीक है वो पहले से रहेगी अगर आप लोगों को सीख में मिल जाएगा फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट सीट अलाटमेंट होगा वो चौदह तारीख को हो जाएगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड का वो चौदह तारीख को आएगा तो आप लोग ये शेड्यूल को डाउनलोड कर लें नहीं होगा तो आप लोग टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लें उससे कि मैं आपको लोगों को भी ये पी ठीक है अपलोड कर दूँगा और ऐसे ही क्या है सेकेंड राउंड का ये हो जाएगा फिर भी आपको यही तीनों चरणों में यही पूरा ठीक है तीनों चरणों में यही पूरा प्रोसेस रहने वाला है कि फर्स्ट राउंड में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की फ़ीस एक ही बार लगेगी उसके बाद आप लोगों को क्या है फ़र्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग हो जाएगी फर्स्ट में अगर कॉलेज मिल जाए तो आपको ले लेना है अगर वो नहीं चाहिए तो आपको फ्लॉट करना है है अगर वही चाहिए तो आप लोगों को फ्रीज़ कर देना ठीक है और उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करवाने जाना है ठीक है उसके बाद आप लोगों को थर्ड राउंड की जो रहने वाली है थर्ड राउंड की सोलह से अठारह के बीच में रहने वाली इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें या हो अगर आप लोगों को स्क्रीन स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हैं यहाँ से ठीक है ले लीजिए यहाँ से स्क्रीन शॉट मैं वेट कर लेता हूँ स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों को थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप लोगों को क्या है थर्ड राउंड में भी आप लोगों को होगा थर्ड राउंड में 16 से 18 के बीच में होगा ठीक है आप लोगों की चॉइस फ्लिंग हो जाएगी इसके बाद आप लोगों को सीट अलॉटमेंट 19 तारीख को हो जाएगी ठीक है 19 को होगा और आप लोगों को 20 से 22 के बीच में आप लोगों को को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है ठीक है डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करवाना है और इसका भी और आप लोगों को, को फ़ीस भी जमा करनी है फ़ीस आप लोगों को कब जमा करनी होगी जो जो फ़ाइनली फ़ीस होगी जो तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में होगी ठीक है ऑनलाइन ही हो जाएगी आप लोगों की फ़ीस जमा वो आप लोगों को करा लेनी है ठीक है और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अपडेट भी हैं इसमें उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकृत इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट उपरोक्त तो तीनों चरणों में पंजीकृत कराने सॉरी कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकृत के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पहले ही राउंड में विकल्प भर सकेंगे अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्ण चरण की सीट विकल्प विकल्प आधार पर आवंटित किए जाएंगे ठीक है जो आप लोगों की पहले से भरी होगी उसी पर आप लोगों को आवंटित किए जाएंगे भारी भरी गई सीटों में आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो क्या है कहाँ से थे हाँ भरी गई भरी गई सीटों में भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा आप लोगों को कोई भी सुधार नहीं कर सकेंगे जो आप लोग, लोग फर्स्ट राउंड में सीटों को अलॉटमेंट करेंगे वही आप लोगों की सीट अलॉटमेंट रहेगी ठीक है ये इस बात को आप लोग ध्यान से रख लें बिल्कुल भी गलती मत करें कि बाद में आप लोग सोचें कि फर्स्ट राउंड में ये कर देंगे सेकेंड में ये कर देंगे ये नहीं हो पाएगा ठीक है इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे अंत विक्त दो की ओपनिंग एवं काउंसलिंग रैंक के अध्ययन कर अधिकारी विकल्पों का चयन करना उचित होगा ठीक है प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा ये आप लोगों को चॉइस फिलिंग के समय ही आप लोगों को वो करना होगा कि आप लोगों को किस जगह पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जिस जिले के हों आप उसी जिले में जाएँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे ठीक है और प्रथम तीन चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए है इसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है एक जो एक महत्वपूर्ण रहने वाली उसको आप लोग पढ़ लें ठीक है उसको आप लोग नोट कर लें ठीक है उसको आप लोग नोट कर लें उसको मैं बता देता हूँ उसके बाद मैं वीडियो को एंड करता हूँ देख लें चौथे नंबर के जो चौथे नंबर की बात रहने वाली वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली वो मॉर्निंग में आएगी ठीक है सीट आवंट आवन्त, सीट आवंटन के पश्चात फ्लॉट एवं फ्रीज विकल्प चेन करना आवश्यक होगा आप लोगों को अगर सीट अलॉटमेंट हो जाए तो आप लोगों को फ्रीज और फ्लॉट जो है आप लोगों को अवश्य करना है ठीक है फ्लॉट विकल्प चेन करने की दशा से अभ्यर्थी को तीन हज़ार रुपये सिक्योरिटी सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी अगर आप लोग फ्लॉट करते हैं तो आप लोगों को तीन तीन हज़ार रुपये दी जाए तीन हज़ार रुपये आप लोगों को पे करनी पड़ेगी जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया वो आप लोगों को तीन हज़ार रुपये है वो आप लोगों की फ़ीस में कम हो जाएगी ठीक है इससे आप लोग बेफिक्र हैं कि तीन हज़ार रुपये अलग से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा वो आप लोग उससे बेफिक्र हैं ठीक है फिरोज विकल्प का चैन करने की दशा में दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जमा होगी जो आप लोगों की बकाया फीस है वो आप लोगों की सहायता केंद्र पर हो जाएगी नहीं तो अगर वो बोलेंगे ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी हो जाएगी ठीक है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकाई वेरीफिकेशन करने के बाद आप लोगों को जो भी राशि आप लोगों की जैसे कि मैं बता दूंगा कितनी फ़ीस लगती है वैसे दस हज़ार के करीब लगती है और ये तीन हज़ार अगर आप लोग फ्लॉट करते हैं तो ये पहले भर जाएगी और उसके बाद में आप लोग कट जाएगी अगर आप लोग फ्रीज़ कर दें तो टोटल आप लोगों को दस हज़ार रुपये आप लोगों को दस हज़ार रुपये आप लोगों को टोटल फ़ीस जमा करनी पड़ेगी ठीक है तो आशा करते हैं तो तो आप लोगों लो लो है, तो लो को वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को शेड्यूल आ चुका है आप लोग बस पूरी आप लोग प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्रीज और फ्लोट का क्या क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है जो गलतियाँ होती हैं मैं उनको सभी को बता दूंगा जिससे कि आप लोगों को, को प्रॉब्लम हो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में थैंक यू